गूगल कैमरे का मैजिक जो है आप लोगों को पता होगा अगर आप एक अच्छा स्टैंडर्ड डिवाइस यूज कर रहे हो। यहाँ पर हम बात करेंगे IQ Z3 डिवाइस के लिए। और सबसे पहले एक मैसेज पढ़ लेते हैं। नरेंद्र भाई सब कह रहे हैं कि भैया IQ Z3 के लिए अच्छा सा गूगल कैमरा बताओ ना। Once more. इसमें फेस टोन बढ़िया आए, मैंने सिर्फ ये लिखा ओके। भाई इतनी बात हुआ उसके बाद ये वीडियो मैंने बना रहा हूं उनके लिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई दिक्कत हो तो आप आगे स्किप कर सकते हो, बट वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं भाई को बताना चाहता हूं कि भाई अगर IQ डिवाइस यूज कर रहे हो तो ये एक गूगल कैमरा जो है मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, इसको आप यहां पर ऐप इन्फो में देख लो और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई इंस्टॉल कर लो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, प्यार से यूज करना, सारे डिटेल्स आपको यूज हो जाएंगे। और इसमें बढ़िया बढ़िया सेटअप है आपको मैं बताऊंगा। 8.1 का ये गूगल वाला वर्जन है, यानी कि जीकेएम का वर्जन जो है 8.1 है, एकदम से मैजिक वाला फीचर्स इसके अंदर है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर सिंगल टैप करो, एप्लीकेशन ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे पहले आपको दिखाता हूं नाइट साइट ऑप्शन आ जाता है। रात के टाइम अंधेरे में छुपके से बढ़िया सा फोटो ले सकते हो, मजा आया। उसके बाद पोर्ट्रेट ऑप्शन आ रहा है, पोर्ट्रेट में आपको मजेदार फोटो ले सकते हो। उसमें सारे सेटअप आपके सामने है। कई सारे एप्लीकेशन आपने ऐसे यूज किया होगा जिस टोन जिसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है या क्लिक करने के बाद वो फोटो गायब हो जाता है, कैमरा ही बंद हो जाता है, बट ये वाला एप्लीकेशन काफी बढ़िया है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होता। वीडियो के अंदर जाके आपको और चीज दिखाऊंगा। ये चीज मैं तो पिक्सल डिवाइस में देखता था जिसके अंदर आपको सिंपल स्लो मोशन लेफ्ट में टाइम लैप्स, और यहां पर टैप करोगे तो भाई कतई जहर वाला फीलिंग आएगा क्योंकि वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑप्शन है। जूम को आप लॉक कर सकते हो और एक्टिव वगैरह सेटअप बना सकते हो। सिनेमैटिक पैन जो है काफी बढ़िया, इसके अंदर आप बढ़िया से सिनेमैटिक वीडियो ले सकते हो, काफी अच्छा फीचर्स रहता है। मैं आपको यहां पर बताता हूं ये जो सिनेमैटिक पैन में आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको अच्छे क्वालिटी का एक वीडियो का फीचर्स देखने को मिलेगा और काफी बढ़िया और उम्दा स्लो मोशन वीडियो या जो कह दो कि सिनेमैटिक वीडियो ले सकते हो इस सेटअप से। ऊपर टैप करिए, इसके अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है 4K FHD, और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद ये सारा फीचर्स है, इसके अंदर आपको कहीं भी अपने मन से छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी सेटअप पड़ा हुआ है बढ़िया से ढंग से देखिए और चेकअप करके ये सारे इनेबल कर दीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा बढ़िया। इससे आपका जो कि कैमरा का जो एक्सपीरियंस IQ Z3 के अंदर भाई मजेदार हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं। वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हो EIS और यहां पे OIS भी है, मतलब एनेबल हो रखा है। इसके अंदर भी आपको 4K 60fps में देखने को मिल जाता है। भाई फोकस ट्रैकिंग वाला वीडियो सेटअप भी इसके अंदर शूट कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो दूर तक फंस जाओगे। सही तरह लाइट चला गया यार, ये क्या हो गया। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर, शायद आ जाएगा। देखो आ गया, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर लाइट आ गया। मैं आपको बताता हूँ ये जो एप्लीकेशन काफी बढ़िया है, इसका पूरी जानकारी आपको बहुत सारे चैनल में मिल जाएगा जिसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। देखो बैकग्राउंड में मेरा येलो कलर है, एक्चुअल कलर जो है कैमरा में इसको ले आता है। देखो फोटो क्लिक करने से पहले एक्चुअल कलर जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वीडियो क्लिक करते ही ऑटोमेटिक एक्चुअल कलर इसके अंदर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, एक फोटो मैंने लिया था, ये देखो ये फोटो जो मैंने इसी कैमरा से लिया हूं, और सेम टू सेम मैं अपने यहाँ पे स्टॉक कैमरा में ओपन करता हूं और इस कैमरा से भी मैंने जो कि सेम टू सेम ये फोटो लिया हूं। देखो ये है स्टॉक कैमरा का फोटो और ये है गूगल कैमरा का फोटो, ठीक है। मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं लग रहा क्योंकि स्टॉक कैमरा में थोड़ा बहुत फेस के लिए थोड़ा सा ब्यूटी टाइप का आ जाता है, बट यहां पर जो है नेचुरल सेटअप देखने को मिलता है गूगल कैमरा के अंदर। यहां पर देखिए मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, खैर कोई बात नहीं, ये सेटअप है, इसके अंदर जवान लग रहा हूं। मतलब जो स्टॉक कैमरा है जो वीवो का, इसके अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो डिटेल्स है झुरिया वगैरह सब हटा देगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्लियर आ रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पर टोन चेंज नहीं हो रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो कि स्क्रीन का जो टोन है वही सेम देखने को मिल जाता है। तो भाई ये जो एप्लीकेशन आपके लिए सिर्फ बनाया, जबरदस्ती नहीं था, और मुझे भी मजा आया यार ये
डिटेल से आप लोगों को बताना जरूरी है। अगर आप IQ Z3 यूज कर रहे हो तो ये वाला एप्लीकेशन काफी ठीक है। मैं दोबारा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। वर्जन जो है 8.1.1.0। तो जब इंस्टॉल करने जाओगे, इंस्टॉल एनी वे जरूर करना, क्योंकि डायरेक्ट इंस्टॉल ये नहीं होगा एंड्रॉइड 12 के बाद। बस ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये था आपका गूगल कैमरा जो कि IQ Z3 का।